मंथ month की मंथली प्रिडिक्शन वीडियो देखते हैं कि ओवरऑल आपका अक्टूबर मंथ कैसा जाता है क्या क्या एनर्जीज है क्या क्या गाइडेंस है सो लेट्स गेट स्टार्टेड पहले देखते हैं रून्स से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं ओके यू गोट द ईसा एनर्जी हम्म ईसा का मतलब होता है स्टैगनेंसी स्टैगनेंसी का मतलब होता है रुकावट तो जितना मुझे दिख रहा है ईसा से थोड़ा ना ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं आपकी लाइफ में मे बी आई एम गेटिंग एन एनर्जी कि आप शायद कोई प्रॉपर्टी या कोई बहुत बड़ा व्हीकल खरीदने जा रहे हो अक्टूबर में शायद वो डिले हो सकता है शायद आपका वो व्हीकल या घर का काम थोड़ा डिले हो सकता है बट नॉट टू वरी पेशेंस रखो थोड़े ब्लॉकेजेस आते हुए दिख रहे कुछ काम आपके बनते हुए नहीं दिख रहे अक्टूबर में बट आई बट मैं प्रे करती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो ऑल्सो मुझे दिख रहा है देखिए यहाँ पे ट्रैफिक है आप लोग लिटरली ट्रैफिक में फंसते हुए दिख रहे हो दैट्स द लिटरल मीनिंग ट्रैफिक में बहुत फंसते हुए दिख रहे हो आप लोग का मुझे दिख रहा है कि आप लोग का पेट्रोल पे ट्रैवलिंग पे काफी ज्यादा ट्रैवलिंग वो वाली ट्रैवलिंग की बात नहीं कर रही दूसरे शहर में जाने की इनर सिटी में ट्रैवलिंग में पेट्रोल में उसमें काफी खर्चा होते हुए दिख रहा है लिटरली मुझे दिख रहा है आपको अपनी गाड़ी या बाइक्स या स्कूटीज रिपेयर करवाने पड़ सकती हैं जिस वजह से पैसे खर्च होते हुए दिख रहे हैं ये ये सब जोड़िया साइंस में आ रहा है लीब्रा आई एम नॉट इवन केडिंग सब ज्यादा था साइंस में ये आ रहा है कि सबकी व्हीकल्स में या इवन इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज टेक्नोलॉजिकल डिवाइस वो कुछ खराब होते हुए दिख रहे हैं सो so, प्लीज uh, ये दिख रहा है एक ब्लॉकेज एंड थोड़ा ब्लॉकेजेस uh, थोड़ा रुकावट आ रही है लाइफ में एनर्जी okay. ऑरिकल से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं लेट्स वाओ

सुंदर आदमी ये सुंदर आदमी नहीं समझ आता अच्छा आदमियों के लिए कोई टर्म ही नहीं है लाइक ले, बोलते ना लड़कियां सुंदर हैं आदमी के लिए हिंदी में कोई टर्म ही नहीं है सुंदरता का विच इज विच इज वेरी विच इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना <laughs> जैसे वी से हैंडसम मैन ब्यूटिफुल वुमेन लड़कों के लिए हिंदी में ऐसा कोई uh, वो ही नहीं है कोई वर्ड ही नहीं है क्योंकि सुंदर आदमियों की कोई वैल्यू नहीं होती आदमियाँ आदमी जो होते इवन आई फील आज के टाइम पे आपकी आउटर लुक्स की कोई वैल्यू नहीं अगर आप इंसान अच्छे हो आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो वही वैल्यू करती है अगर आप सुंदर हो बट आप लोगों को बदतमीजी से ट्रीट कर रहे हो आप समाज के लिए एक कीड़े हो या आप खुद गैंगस्टर हो ऐसी सुंदरता का क्या मतलब एनी वे मैन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी है मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि इवन आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हो रही है आप बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी में हो रहे हो आपकी इवन आपके बॉयफ्रेंड्स के साथ अगर आपके बॉयफ्रेंड है पति हैं उनके साथ आपका

लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या गाइडेंस आ रही है एंजल्स लिटरली ये ऐसे दिख सकते हैं आपके पर्सन देख लो इनका चेहरा बहुत लड़का ही बहुत क्यूट दिख रहा है मुझे एंजल <laughs> uh, ये आप खुद ऐसे ही दिख सकते हो एंजल्स हायर बींग्स एंसेस्टर्स मंथली प्रोडिक्शन फॉर लीब्रा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर लेट्स कट द डेक

मुझे यहाँ पे कोई ऐसा कोई पंगा कोई प्रॉब्लम कोई ऐसा मेजर इश्यूज आपकी लाइफ में नहीं दिख रहा है सो सॉरी ये जनरल रीडिंग है तो मुझे ऐसी कोई मेजर नहीं दिख रही है बट समवेयर आपको पता नहीं रोना गाना आपका बंद ही नहीं हो रहा है वट इज दस बिहेवियर लिब्रा अक्टूबर मंथ में मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि वो ही पास में मेरे साथ ऐसा हुआ उस इंसान ने मुझे ऐसा बोला उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा कहा ग्रजस या ग्रजेस की एनर्जी दिख रही है लिब्रा इतना ग्रज लेके कहा जाओगे आप ये बता दो लीब्रा मुझे ग्रजेस हटाओ अपनी लाइफ से प्लीज फॉर गॉड से आपकी लाइफ में देखो वो वही आपकी लाइफ ऑलरेडी अच्छी है, तीन खड़े हुए हैं आपका मैं एक बात बताऊं अगर आपका आप बहुत रोते हो ना आपके आपका कुत्ता भी सोच रहा है कि कैसा मालिक है अगर आपका पेट है तो वो भी सोच रहा है ये क्या है हमेशा रोता रहता है ये लिब्रा <laughs> तो अपने कुत्ते पे रहम कर लो उसको डॉगी पे या अपने पेट पे रहम कर लो ऐसे मत करो वो भी परेशान हो रहा है वो भी आपकी एनर्जी से अफेक्टेड हो रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग ये एनर्जीज आ रही है लीब्रा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो हाई टाइम हो गया अब पास में जो हुआ सो हुआ उसका रोना बंद करो एंड मूव ऑन इंट योर लाइफ प्लीज स्टॉप क्राइंग और ये वो एनर्जी नहीं है वो डिप्रेशन एंगजाइटी वाले एनर्जीज बहुत अलग होती हैं वो अलग काज होता है ये वो एनर्जीज नहीं है कुछ इमोशनल बैगेज कुछ ग्रजेज हैं जिससे आप आप लिटरली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो ज्यादा प्रॉब्लम है प्लीज काउंसलर के पास जाओ थेरेपिस्ट के पास जाओ लिटरली स्पेंड मनी ऑन योर मेंटल हेल्थ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग बैठे रहते हो बैठे रहते हो एक्सरसाइज नाम की तो आपको चीज ही नहीं पता है एक्सरसाइज करो एनर्जी क्या होता है ना जब आप और एक्सरसाइज या वर्किंग आउट हमेशा सिर्फ वेट वेट लॉस या गेन के लिए नहीं होता है एक्सरसाइज हर इंसान को करनी चाहिए और मैं तो अपने चैनल में बहुत ज्यादा प्रमोट करती हूँ आपको कोई पैसा खर्च करने की कोई जूता खरीदने की कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है अपना फोन लगाओ रॉबोटा जिम टाइप करो एंड वर्कआउट पंद्रह मिनट बीस मिनट वर्कआउट कर लोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा आपका

पैसों की बारिश हो रही है आपकी लाइफ लिटरली पैसे लॉट लॉट ऑफ ऑफ वेल्थ स्टेबिलिटी जो बिजनेस कर रहे हैं आप बिल्कुल छप्पड़ फार बिजनेस कर रहे हैं बहुत प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं आप लोग लीब्रा एंड इवन जो लोग जॉब कर रहे हैं आपके अपने इम्प्लॉयज के साथ अपने बॉसेस का साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है यू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर सैलरी हाइक की एनर्जी है प्रमोशन की एनर्जी नहीं दिख रही है तो अगर आपका सैलरी हाइक होना अक्टूबर में बहुत अच्छी सैलरी हाइक दिख रही है ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप काफी प्रोफेशनल हो बनते हुए दिख रहे हो प्रोफेशनली चीजों को हैंडल ठीक है पर्सनल लाइफ जितनी भी डिस्टर्ब हो आपकी बट प्रोफेशनली जब आप काम कर रहे हो काम करने का जो आपका तरीका है वो काफी प्रोफेशनल काफी अच्छा होगा बहुत मेहनती बन रहे हो आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स आपकी लॉजिकल uh, स्किल्स आपकी मेंटल आपकी मेंटल स्किल्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं एंड आप जो भी काम करोगे बहुत अच्छे से बहुत बखूबी करोगे सो विच इज वेरी गुड एनर्जी कमिंग अफ यू वर्क लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है आपकी पर्सनली आपकी इश्यूज uh, दिख रहे हैं विथ टेन ऑफ कॉइंस एनर्जी Uh, मुझे दिख रहा है कि बहुत लोग बहुत लोग के मतलब क्या तो मम्मी पापा या नाना नानी बाबा दादी या तो कोई किसी एंसेस्टर से आपको प्रॉपर्टी मिलते हुए दिख रही है सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट सेकेंडली मुझे दिख रहा है आपकी नहीं आपकी किसी घर के घर वालों में किसी की शादी होते हुए दिख रही है एंगेजमेंट या मैरिज फिक्स होते हुए दिख रही है अगर आपके बड़े भाई बहनों के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है तो उनकी शादी फिक्स होते हुए दिख रही है सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट आपके अपने फैमिली मेम्बर्स से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आप के रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं फैमिली में खुशियां दिख रही रही इवन आपकी तो वेल्थ इंक्रीज हो रही है आप भी कमाने वाले होगे तो आपके शायद पापा या फिर भाई बहन भी कमाने वाले हो। उन लोगों की भी इनकम इंक्रीज हो रही है सो so, एक जो होती है ना घर की पूरी इनकम वो काफी इंक्रीज होते हुए दिख रही है लीबरा एंड ओवरऑल फैमिली में बहुत खुशी है फैमिली रिलेशनशिप इवन रिश्तेदारों के साथ आपका रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है हैप्पीनेस इज कमिंग एंड प्लीज अपने यार इस डॉगी को पर मुझे दिख रहा है कि आपका पेट आपसे परेशान हो रहा है do you, लीब्रा डोंट डू दिस एंड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड न्यू लव इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू जो सिंगल सिंगलराज हैं इवन जिनके 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 हस्बैंड वाइफ हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं उनके साथ भी रिलेशनशिप आप लोग का बहुत स्ट्रॉग हो रहा है एंड अक्टूबर बहुत पॉजिटिव मंथ दिख रहा है फॉर श्योर दिस वॉज योर रीडिंग बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराओ क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर बो बाय